पक्ष में मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ और उन्हीं के उपलक्ष में ये मनाया जाता है। आप विद्यार्थी हैं और ये आपके शिक्षक हैं, आपका और इनका रिश्ता कैसा होना चाहिए ये जानकारी भी होना आपको बहुत जरूरी है। शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एक संस्कृत में एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थात ये हुआ कि गुरु ब्रह्मा, गुरु मतलब जो आपके उस्ताद है, ब्रह्मा जो इस सृष्टि का रचयिता है ब्रह्मांड के, उनसे भी बड़ा इनका औधा को किया गया है। आजकल क्या है कि आजकल के जितने भी स्टूडेंट हैं अपने शिक्षक का मान सम्मान नहीं करते हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं, इनको फीस देंगे और उसके बाद चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी का क्या मतलब है आप लोग को मालूम है? आप स्टूडेंट बाबू आपको मालूम है? विद्यार्थी का मतलब हुआ विद्या, धन, धन मतलब जोड़ आर्थी, विद्या को प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। विद्यालय का क्या मतलब हुआ? यह विद्यालय यहाँ पर आता है, संस्था सरकार बनाया हुआ संस्था है, यहाँ पर आप लोग पढ़ने आते हैं विद्यालय। विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, विद्या का भंडार बराबर विद्यालय। तो विद्यार्थी का क्या रोल होना चाहिए? विद्यार्थी, विद्यार्थी वो नहीं है जो गलत बातों को फोकस करे, आज के जो रणनीति है उसको अपनाए। विद्यार्थी ये है गलत बातों को देखकर उसको अनसुना करे, अच्छी बातों को अपने अंदर ऑब्जर्व करे, वो विद्यार्थी है। तो आज के दिन जो ये मनाया गया है शिक्षक दिवस, तो इसीलिए मनाया गया है कि शिक्षक आपके लिए क्या क्या करते हैं और आप लोग उनके लिए क्या करते हैं। तो मैं कामना करता हूँ कि आज के बाद से जो आप लोग हैं आप अच्छे चीजों को अपने अंदर उतारिएगा और जितने भी बुरी चीजों हैं उसको दूर करिएगा।